हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लास्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा की जा सकती है? इंडियन रेलवे के क्या है नियम, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल जो आजकल पूछा जा रहा है, क्या ट्रेन में बिना टिकट यात्रा की जा सकती है? इंडियन रेलवे के क्या है नियम? तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर जल्दी जल्दी में लोगों को क्या होता है, टिकट लेना भूल जाते हैं। अक्सर रिजर्वेशन तो दूर, जनरल टिकट भी लेना भूल जाते हैं ट्रेन में यात्रा करने के लिए, और वो यात्रा करने के लिए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है 250 रुपये टीटी पेनाल्टी लगाता है, प्लस जहां से ट्रेन चल रही है और जिस स्टेशन तक जाने वाली है वहां तक का पूरा किराया आपसे वसूला जाता है। ये इंडियन रेलवे का नियम है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आप इस पेनाल्टी से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं बिना टिकट, तो आपको ध्यान रखना है जिस भी स्टेशन से आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं वहाँ का प्लेटफॉर्म टिकट आप ले लें। अगर वहाँ का प्लेटफॉर्म टिकट आप ले लेते हैं तो टीटी को ये मानना पड़ेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से टिकट लेकर के यात्रा कर रहे थे, यानी कि इस स्टेशन से टिकट लिया है आपने। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी जिस स्टेशन से आप चढ़ें ट्रेन के अंदर, और जहाँ तक आपको जाना है टीटी से उसका टिकट आप बनवा सकते हैं। ये इंडियन रेलवे का नियम है। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग के पास ये सुविधा नहीं होगी कि वो प्लेटफॉर्म टिकट भी ले पाए। तो दोस्तों, आपको बता दूं, UTS ऐप के माध्यम से आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल में ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप जनरल टिकट भी ले सकते हैं यात्रा करने के लिए। लेकिन अगर आप मोबाइल में टिकट बुकिंग नहीं करते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट ले करके यात्रा करनी है। आपको टीटी पेनाल्टी नहीं लगाएगा जिस स्टेशन से आप चढ़ें यात्रा करने के लिए, उस से आराम से अपना टिकट बनवा सकते हैं टीटी से। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।